बहुत ही शर्मनाक बात है, पूरी तरह कंडेमनेबल बात है ये कि दिल्ली जो राजधानी है देश की, वहां पर इंद्रलोक में कुछ लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे। जुम्मा की नमाज 2-5 मिनट में खत्म हो जाती है। वहीं पर आप देख रहे हैं वीडियो पूरी तरह वायरल है कि कुछ मुसलमान युवा सजदा कर रहा है। दिल्ली के पुलिसकर्मी, एक इतना नफरत भरा पुलिसकर्मी वहां पर आता है और सजदा करने वाले युवा को लात मार रहा है। अब नमाजियों के ऊपर अब लात मारेंगे, कितनी नफरत आपके दिलों में कैसे भर गई है। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। तो मोदी जी उस जनता का जो भारतीय मुसलमान 2 मिनट के लिए जुम्मा की नमाज पढ़ रहा था आपकी नाक के नीचे दिल्ली में, वहां पर दिल्ली का पुलिसकर्मी उसको लात मार रहा है। किस दिशा में देश अब जा रहा है मोदी जी हमारा? तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी, दिल्ली के जो कमिश्नर है वो, दिल्ली पुलिस, अमित शाह साहब सब मिलकर इस बात का संज्ञान लें और जो वो पुलिसकर्मी जिसने इतनी नफरत दिखाई, जिसने लात मारी है सजदा करते वाले मुसलमान युवा को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन नौकरी से निकाला जाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे ले डाला जाए, तब होगा सबका साथ सबका विकास। अब क्या देश में नमाज पढ़ना भी जुल्म हो गया है? जुल्म हो गया हमारे लिए क्या? अरे हमारे हिंदू भाई अगर कोई प्रार्थना करता है, कुछ करता है, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। तो जुम्मा की नमाज अगर किसी ने 2-5 मिनट पढ़ लिया तो किसी का क्या चला गया? तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग, ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरह कानून कायदे को अपने हाथ में लेते हैं और लात मार रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से।